नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय मुखिया, अध्यापक, मेंटर्स, जिसमें बीआरपी, एबीआरसी आते हैं और डाइट फैकल्टी ने स्वयं को दीक्षा ऐप पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर लगभग सभी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यह समस्या आ रही है कि आईडीज, जो विभाग की ओर से इन सभी को एक आईडी नंबर मिला हुआ है, वह कुछ का गलत भरा गया है, जिसकी वजह से दीक्षा ऐप पर रजिस्टर करने वालों का डेटा जो है वह बढ़ नहीं रहा है। अब उस आईडी को हम किस प्रकार सही कर सकते हैं, इस एक छोटे से ट्यूटोरियल वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जा रही है। आपसे उम्मीद है कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखकर यदि आपकी आईडी गलत भरी हुई है तो आप उसे ठीक कर पाएंगे। वीडियो के अंत में सभी 119 खंडों के नाम उनके कोड सहित आप देख सकते हैं, जिससे आपको अपनी आईडी सही तरीके से भरने में निश्चित रूप से मदद मिल सकेगी। तो देखते हैं कि कैसे हम अपनी उस आईडी को अपडेट कर सकते हैं। दीक्षा ऐप पर उसको खोलने के पश्चात सबसे पहले हमने प्रोफाइल पर जाना है। मेरी प्रोफाइल यहाँ पर पहले से ही खुली हुई है। अब इसमें आप देखेंगे कि लगभग सभी जानकारियाँ जो हमने भरी हुई थी वो सारी पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं। जो मुख्य बात है वह है यह जो नीला पोर्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, हाईलाइटेड पोर्शन जो है नीला, जिसमें स्टेट, हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी जानकारियां पहले से भरी हुई हैं, इसको हमने अपडेट करना है। आप ऊपर वाली जानकारियों को भी आप एडिट कर सकते हैं। यहां से आपने यदि कुछ चेंज करना है, इनमें कोई बदलाव लाना है, तो एडिट का बटन दबाकर आप उन्हें भी बदल सकते हैं। यहां हम विशेष रूप से बात करेंगे अपनी प्रोफाइल की, जहां हमने अपनी आईडी को भरना है। तो इस नीले पोर्शन पर जो जानकारियां दी हुई हैं आप नीचे देख रहे हैं कि वहां पर अपडेट लिखा हुआ है, इस अपडेट को हमने दबाना है। आप देखेंगे कि यहां पर क्योंकि सभी जानकारियां पहले से भरी हुई हैं तो उनको हम बदल भी सकते हैं, हम अपडेट भी कर सकते हैं। यहां से हमने स्टेट हरियाणा है, हरियाणा ऑलरेडी हमारा चूज़ है, मान लीजिए हम जिला यहाँ पर, मान लीजिए हमने भिवानी भरना है, ठीक है। मोबाइल नंबर, यह वही मोबाइल नंबर है जिससे इस पर यानी दीक्षा ऐप पर रजिस्टर किया गया है। मान लीजिए यहाँ पर आप कोई और मोबाइल नंबर भरते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ और अंक डाल देती हूँ, तो आप नीचे देखेंगे प्लीज वैलिडेट योर मोबाइल नंबर, ऐसा लिखा हुआ आ गया है। और जब हम इस वैलिडेट हरे हाइलाइटेड एरिया में जो वैलिडेट लिखा हुआ है इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इस नंबर पर जो हम नया नंबर यहाँ भर रहे हैं, इस नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को भरने के बाद ही यह नंबर यहां पर रजिस्टर हो पाएगा, वेरीफाई हो पाएगा। तो इस प्रकार से हम यहां अगर अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहां बदलना चाहते हैं तो हम उसे भी बदल सकते हैं। ये देखिए, ये सही नंबर है, इसके सामने टिक आ गया है। यदि मान लीजिए आप मेल आईडी में भी इसी प्रकार से ही होगा, मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ और डाल देते हैं, ये देखिए मैंने सिर्फ एक अल्फाबेट में चेंज किया है और उसी से ही नीचे वही लाइन लिखी हुई आ गई, प्लीज़ वैलिडेट योर मेल एड्रेस। और इसको जब हम वैलिडेट करेंगे तो हमारी मेल आईडी पर एक OTP आएगा जिसको हमने यहाँ भरना होगा, तो वह हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये हमारी मेल आईडी ठीक है, यहाँ स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम है वह भर देंगे आप। यूडाइस कोड, आप देख रहे हैं कि एक 11 अंकों की एक संख्या होती है यूडाइस कोड, उसको हमने यहाँ भर दिया है।
फिर टीचर आईडी, जो सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वही है आईडी की, कि उसको हमने किस प्रकार भरना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, कुछ अंक दिए हुए हैं। तो आप सभी अध्यापकों, विद्यालय मुखियाओं को विभाग की ओर से 6 या 7 अंकों की संख्या के रूप में एक आईडी मिली हुई है, आप सबने वही आईडी भरनी है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एक आईडी यहाँ भर रही हूँ, इस तरीके की कोई संख्या आप सभी को मिली हुई है, आपने वह यहाँ पर भरनी है, ठीक है। आप यदि मान लीजिए मेंटर हैं, मेंटर यानी बीआरपी या एबीआरसी हैं, तो उसके लिए इस प्रकार से आईडी भरी जाएगी। मेंटर हैं तो एम अंडरस्कोर, फिर जिस ब्लॉक से आप संबंध रखते हैं उस ब्लॉक का कोड दिया हुआ है, उस ब्लॉक का कोड हम यहाँ पर भरेंगे, अंडरस्कोर, और वह मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक यहां पर भरे जाएंगे। और इस प्रकार आप जब अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी यह आईडी सारी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अब यहां पर एक और बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, वह है आपने देखा होगा कि SCERT द्वारा जारी एक पत्र में टीचर्स के लिए भी एक आईडी दी हुई है भरने के लिए, जिसमें आप जो मेंटर की आईडी है उसमें M के स्थान पर T हो जाएगा और बाकी तरीका बिल्कुल इसी प्रकार रहेगा, T अंडरस्कोर जो उनका ब्लॉक है उसके उसका जो कोड है वह, फिर अंडरस्कोर और फिर उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक यहां पर दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, इस प्रकार से जो आईडी भरनी है वह केवल गेस्ट टीचर्स ने भरनी है, रेगुलर टीचर्स ने अपनी वह आईडी भरनी है जो विभाग की ओर से उनको 6 या 7 अंकों की जो एक संख्या के रूप में आईडी मिली हुई है वह भरनी है, और गेस्ट टीचर्स ने जो आईडी भरनी है वह इस तरीके से भरनी है। यहाँ पर टी अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर रजिस्टर मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक, इस प्रकार से जो आईडी होगी वह गेस्ट टीचर्स की होगी, टी के स्थान पर यदि एम है तो वह मेंटर्स की होगी, और 6 या 7 अंकों की संख्या के रूप में जो आईडी होगी वह टीचर्स की होगी। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी आईडी को अच्छी तरह से अपडेट कर पाएंगे। अब यहाँ हमने इसको अपडेट कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके सामने बदली हुई आईडी यहाँ पर आ गई है। यह मैंने आपको केवल एक ट्यूटोरियल के लिए इन सारी चीज़ों में परिवर्तन करके दिखाया है कि किस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बाकी सही जानकारी इसकी फिर से अपडेट कर दी जाएगी। खंडों की इस सूची को ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, केवल मेंटर्स और कॉन्ट्रैक्ट अध्यापकों के लिए। इस सूची के दूसरे कॉलम में सभी खंडों के नाम और उससे अगले में उनका कोड दिया गया है, जैसे आदमपुर का ADAM, खरखोदा का KHAR, सोनीपत का SONI। तो आप इस लिस्ट को ध्यानपूर्वक देखकर अपने खंड का कोड भर सकते हैं और अपनी आईडी को अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।